नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। आशा करते हैं मित्रों आप सभी सकुशल होंगे। यह DLA के द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के अति लघोत्तरीय के 200+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करेंगे लाइक एंड शेयर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मित्रों। तो जिसमें क्वेश्चन है, झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखिए, झुका तल पूछा जाए आपसे या नत समतल पूछा जाए आपसे, नत समतल भी झुके तल को ही कहते हैं। तो देखिए, झुके हुए तल की सहायता से, तो झुका हुआ तल होता है जो नत समतल होता है उसे, देखो फिगर से समझाते हैं। इस तरह का ये नत समतल होता है, यहाँ पर कोई गुटका या कोई वस्तु भार रखी है जो कि 45 के एंगल पर रखा होता है। जब कोई वस्तु जब 45 के एंगल से की जाती है, रखी होती है, तब तो उस पर कार्य किया जाता है, तो जो बल लगाने की शक्ति होती है, यानी बल का क्या होता है, उसका बल का मान कम होने लगता है, यानी कम बल में हम अधिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। कम बल की सहायता से हम अधिक से अधिक यानी भारी से भारी भरकम वस्तुओं को आसानी से ऊपर ढकेल सकते हैं। तो यही क्या है, झुके हुए तल का या नत समतल का कार्य है। तो देखिए, झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जितना भी भारी भार होगा, अगर नत समतल है, झुका हुआ तल है, आप उसे कम से कम फोर्स लगाकर यानी कम से कम बल लगाकर उसे आसानी से भारी वस्तु को आगे चढ़ा सकते हैं, यानी ऊपर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका क्या है। तो देखिए, आंसर होगा इसका, मानव शरीर में असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जो छोटी सेल्स बनी होती हैं, कोशिका को हम सेल्स भी कहते हैं। तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उन सबसे मिलकर के कोशिका का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, केंद्रक क्या है। तो देखिए, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और जो मध्य में केंद्रक होता है, मध्य बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। तो देखिए, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। तो देखिए, जो केंद्रक होता है वो कोशिका के मध्य में स्थित होता है, यानी कोशिका केंद्रक के बोलते हैं, जो कि गहरे लाल रंग का यानी गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। और इसी के अंदर एक कोशिका द्रव्य पदार्थ भी होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है। तो देखिए, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है, तो आंसर होगा, केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को हम केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। यानी जो केंद्रक होता है, इसके अंदर एक तरल सा चिपचिपा पदार्थ होता है जो गहरे लाल रंग का होता है, जो गहरे लाल रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, कोशिका के 3 अंग होते हैं। आंसर देना आपको, कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपको याद रखना है कोशिका के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, तो आंसर देना आपको, ऊतक हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक और पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। सभी ऊतक ऐसे संयोजी ऊतक आपस में मिले हुए होते हैं। संवहन ऊतक और पेशीय कार्य में जो भाग लेते हैं वो पेशी ऊतक होते हैं, जो तंत्रिका कार्य में भाग लेते हैं वो तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। तो ये मुख्य ऊतकों के प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगर संवहन ऊतक या तरल ऊतक पूछा जाए तो रक्त आपका है, जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और जो क्या करता है, संवहन यानी भोजन के जो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं एक शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं। तो देखिए, आंसर होगा, जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। यानी ये क्या है, जीवन की जो आधारभूत क्रियाएं, जिसमें सबसे प्रथम पोषण है, यानी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, पोषित आहार यानी संपूर्ण पोषक तत्वों का क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। श्वसन यानी श्वसन जीवित रहने के लिए हमें श्वसन करते हैं, जिसमें निःश्वसन होता है और श्वसन होता है। उत्सर्जन यानी शरीर से जो हमारे अनुपयोगी पदार्थ हैं, अनुपयोगी जिन्हें शरीर क्या होता है, उपयोग में नहीं आते हैं, जैसे मल मूत्र आदि, इन सब का क्या उत्सर्जन करना। परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र के द्वारा नियंत्रण करना, समन्वय, वृद्धि,
शारीरिक वृद्धि और अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। ये सभी क्या हैं? जीवन की आधारभूत मूल क्रियाएं कह सकते हैं मैंने। नेक्स्ट है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? तो देखिए, प्रजनन की कई विधियाँ होती हैं जिन्हें हमें तीन भागों में बांटा गया है। तो आपको आंसर देना होगा, जीवधारियों में प्रजनन की तीन विधियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट है वर्धी प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन है और लैंगिक प्रजनन है। तो देखिए, वर्धी प्रजनन क्या होता है? ये प्रायः पौधों में होता है, आपको याद रखना है। यानी आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आए कि वर्धी प्रजनन के बारे में, या वर्धी प्रजनन किन में होता है, तो आपको जवाब देना है कि ये वर्धी प्रजनन जो होता है वो पेड़ पौधों में होता है। इसमें क्या होता है, जड़, यानी जैसे जड़ होते हैं, रूट बोलते हैं, उनसे जो नए नए अंकुर निकलते हैं, उनसे नए पौधे का तैयार होना क्या कहलाता है? वर्धी प्रजनन। अलैंगिकरण, यानी दो विपरीत लिंगों के प्रति, दो विपरीत लिंग आपस में क्रिया के द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसी तरह आपका अलैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो देखिए वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? देखो, यह प्रायः पौधों में पाया जाता है, जब पौधे के वर्धी भाग, यानी वर्धी भाग कहाँ से बोलते, किस भाग को बोलते हैं हम? जड़ को। जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, इसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। देखिए, कुछ पौधों में क्या होता है, जड़ों के द्वारा ही प्रजनन होता है, पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है, तने के द्वारा प्रजनन होता है, वो सभी क्या कहलाता है? वर्धी प्रजनन कहलाते हैं। यानी जैसे किसी पौधे की एक डाली को काट दिया और जैसे हम कलम विधि द्वारा अगर लगा दी जाती है तो आ जाते हैं, पौधे उगाते हैं, उसी तरह नया पौधा तैयार हो जाता है। तो यह प्रजनन क्या कहलाता है? वर्धी प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो आंसर देना होगा आपको, अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रजनन है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, जैसे देखें, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन क्या है? तो देखिए, इस विधि में दो नए विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों के जीवों की उत्पत्ति, यानी विभिन्न यानी विपरीत लिंगों के प्रति, जो विपरीत लिंग होती हैं, वो अपने ही जैसी संतति का उत्पन्न करना क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन कौन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आवश्यक तत्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो दिन ही दिन में होती है, यानी सूर्य के प्रकाश में होती है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब संपन्न होती है, तो ये दिन ही दिन में संपन्न होती है, रात को प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी जो शरीर में उपापचय यानी पाचन क्रिया के द्वारा जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ शरीर में उपस्थित होते हैं उनको बाहर निकालना, जैसे यूरिया है, मल है, मूत्र है आदि, इन सबको बाहर निकालना क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, मानव शरीर को अगर आंसर देना है तो मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सिर है, मस्तिष्क है, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्वाधर शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन अंग आदि। अब इधर भी आदि लगा सकते हैं, क्योंकि मानव शरीर को हम कई भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, आंसर होगा इसका, मानव कंकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी मानव जो कंकाल है उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट होता है अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल वह होता है जो सीधे ऊर्ध्वाधर रेखा में अपने बंधों द्वारा जुड़ा होता है, और अनुबंधी कंकाल यानी एक दूसरे के बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, पेशियां तो आप सभी जानते हैं कि पेशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं वो ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, और ऐसी पेशियां जो अनैच्छिक पेशियां यानी हमारी इच्छा से, इच्छा इन पर नहीं रहती या स्वतंत्र होती हैं, हम जिन्हें कह सकते हैं, वो अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं?
तो देखिए मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें कृदंत होता है फर्स्ट, दूसरा रदनक होता है, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा पश्चवर्णक। ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो देखिए भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, अगर भोजन में पोषक तत्व नहीं है तो वो संतुलित पोषक पोषण यानी कि नहीं कहलाएगा, आपको याद रखना है। यानी संतुलित पोषण यानी उपयुक्त मात्रा में एक उचित अनुपात में सभी प्रोटीन वसा इन सब का एक अनुपात होना ही संतुलित भोजन कहलाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो एक उचित अनुपात में, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण रफेज जिसे हम बोलते हैं, हरा चारा, इनकी एक उचित मात्रा में ये सभी भोजन में उपस्थित होने चाहिए। जिससे क्या होगा, भोजन एक संपूर्ण पोषक प्रदान करने वाला है, यानी संपूर्ण आहार बोलते हैं जिसे हमें कहा जाएगा। नेक्स्ट है रफेज किसे कहते हैं। तो देखिए रफेज आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रफेज होता है जैसे छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, इसे रफेज कहते हैं। यानी जितने भी हम सलाद बनाते हैं जैसे रेशेदार पदार्थ होते हैं हरे जिन्हें काटते हैं, तो उन्हें हम रफेज के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो देखिए विटामिन को निम्न प्रकार में बांट सकता है, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन बी के कई भाग होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12 आदि, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के। अगर आपसे इनसे संबंधित रोगों के बारे में पूछा जाए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको याद रखना है। और इसकी सबसे अधिक उपस्थिति लाल पदार्थों यानी गाजर में पाई जाती है। अगर सोर्स पूछे जाएँ तो सेकेंड है विटामिन बी। अगर विटामिन बी दिया है तो आप लिख सकते हैं कि विटामिन बी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर विटामिन बी के पार दिए जैसे B1 है तो B1 लिखेंगे, B1 की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम, अगर नाम पूछा जाए जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एसिड यानी अम्ल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का नाम थायमिन है। ये आपको याद रखने हैं इनके रासायनिक नाम और इनकी होने वाली इनसे कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो से अस्थिभंगुर होता है, और ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो कि सूर्य के प्रकाश से होती है और जो किसी भी भोज्य पदार्थों में नहीं पाई जाती है। विटामिन डी जो कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई से जैसे हम बोलते हैं नपुंसकता का रोग हो जाता है जिसकी कमी से, ये सभी रोगों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता हो। तो देखिए कोई भी एक भोज्य पदार्थ बताना है आपको जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है। अगर हम दूध की बात करें तो आंसर दें दूध। तो दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि जंतुओं के चर्बी से निर्मित होता है, यानी जंतुओं द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, इसलिए आपको या जंतुओं से प्राप्त होता है, तो आप लिख सकते हो दूध है। नेक्स्ट है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। देखिए भोजन एक ऐसा उचित मात्रा में हो, यानी भोजन एक संपूर्ण पौष्टिक हो, वो हमारा शरीर वर्धक कहलाता है। यानी सभी विटामिन, खनिज, प्रोटीन्स, रेशा आदि सभी क्या उचित अनुपात में मिले हुए हों उस भोजन में, वो हमारा शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। जैसे प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है, यानी मनुष्य को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए। तो देखिए आंसर देना लगभग आपको 1.5 से 2 लीटर मनुष्य को पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और शरीर में जो निर्जलीकरण का रोग होता है यानी पानी की कमी से होने वाला रोग होता है उसे हम निर्जलीकरण रोग बोलते हैं, तो उसकी भी कमी नहीं होती है और वो रोग भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कुपोषण क्या है। देखिए कुपोषण एक ऐसी बीमारी है क्या हम कह सकते हैं, ये जन्मजात भी हो सकती है, आनुवांशिक भी होती है। तो अपर्याप्त भोजन पर अपर्याप्त यानी जैसे खनिज पौष्टिक तत्वों का भोजन ना होना या अपर्याप्त मात्रा में भोजन करना के कारण ही एक लंबे गैप के कारण एक डिस्टेंस बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो गैप हो जाता है विटामिन्स का, मिनरल्स का, खनिज का, तो उससे वहाँ पर ये कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसे कि अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इसे उत्पन्न स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। यानी हमें अपर्याप्त भोजन मिले और उसमें पोषक तत्वों की कमी हो, अगर हम ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो वो भी क्या कर जाता है, कुपोषण का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है।
तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घेंगा जिसे गलगंठ रोग के भी कहते हैं या गलसुआ रोग भी कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है और ये हमेशा गले में ही होता है, याद रखना है आपको। घेंगा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करते हैं हम, जिससे क्या हो, घेंगा रोग नामक रोग ना हो। नेक्स्ट है, भोजन के परिरक्षण की कौन सी विधियां हैं, यानी भोजन के परिरक्षण, परिरक्षण बोलते हैं उसे सुरक्षित करना। तो देखिए भोजन के परिरक्षण की निम्न विधियां हैं, देखिए देखिए, अंतराल से उबालना और ठंडा करना, यानी जैसे हमें दूध को अगर परिरक्षण करना है तो हम उसे उबाल कर रखते हैं, तो क्या है, उबाल के रखने से क्या होता है, वह आगे तक उसका परिरक्षण हो जाता है, यानी कुछ लंबे समय तक वह सुरक्षित हो जाता है। सुखाना, जैसे कुछ पदार्थों को हम काट करके सुखाते हैं, जैसे मेवा है, इन सबको क्या हो जाता है, ये सुखाकर भी क्या परिरक्षित हो जाते हैं। ठंडा करना के द्वारा भी, अचार तैयार करना, देखिए लंबे समय तक हमें किसी भोज्य पदार्थ को रखना है तो क्या करते हैं, हम अचार तैयार करते हैं। अचार जैसे मुरब्बे का, आम का, ETC, कई प्रकार के अचार होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, इन इस विधि द्वारा यानी उसका क्या हो जाता है, परिरक्षण हो जाता है, जिससे वो क्या है, लंबे समय तक चलती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। रसायन विधियों द्वारा, जैसे क्लोरीनीकरण के द्वारा जल को शुद्ध करना, डिब्बा बंदी करके, यानी डिब्बों में बंद करके, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में डिब्बों में बंद करके भोजन को भी हम सुरक्षित, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि नमकीन की जो थैलियाँ आती हैं, चिप्स आती हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको याद रखना है, जो नमकीन की जितने भी भोज्य पदार्थ की थैलियों में पैकिंग होती है, उन सब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि जिससे भोजन क्या होता है, सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता एक लंबे समय तक। नेक्स्ट है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताइए। देखिए संक्रामक रोग कैसे होते हैं, जो क्या होते हैं, पर्यावरण में, यानी जो वायरस के थ्रू फैलते हैं, पर्यावरण में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हैजा है, TB है, खसरा है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, पेचिस है, सुजाक है, पीलिया है, प्लेग है, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस, ये ऐसे संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से एक दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर संक्रामक रोगों की डेफिनेशन पूछी जाए तो यानी व्यक्तियों द्वारा आपस में संपर्क के द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और अगर इनके नाम पूछे जाएँ तो नाम आप लिख सकते हैं, इनके नाम हैं हैजा, TB, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस आदि, ये सभी ऐसे रोग हैं जिन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो देखिए शारीरिक व्यतिक्रम को हम जैसे कहते हैं, तो आंसर होगा इसके खराब भोजन से, जैसे हम व्यक्ति क्या बासी भोजन खा लेता है तो उससे क्या हो जाता है, शारीरिक व्यतिक्रम होता है। दूषित वातावरण, सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है, यानी शारीरिक व्यतिक्रम का मतलब होता है शरीर के में किसी भी प्रकार का, जैसे ऐंठन होना या छोटे मोटे आदि रोग होने लगते हैं, उसे शारीरिक व्यतिक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आंसर होगा इसका, संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, यानी आपस में दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से, या वो प्रत्यक्ष रूप से फैले या किसी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी रूप में वह उनसे फैले, तो क्या कहते हैं उसे, वह संक्रामक रोग कहलाता है। नेक्स्ट है, संचारी रोग क्या होते हैं। तो देखिए आंसर होगा इसका, वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों के द्वारा ये रोग मनुष्य को एक दूसरे से छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं, यानी जैसे कि हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से आदि, इस तरह की विधियों द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। संचारी जैसे नाम से पता है, संचरण, यानी संचरण के बाद एक विधि के द्वारा, एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा आगे से प्रोसेस बढ़ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचना। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आंसर होगा आपका, संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, जैसे सांसर्ग के रोग कहते हैं और संचारी रोग। संचारी रोग तो जैसे कि अभी बताया था, और सांसर्ग रोग होते हैं जैसे जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, उन्हें सांसर्ग, जैसे हैजा है, टाइफाइड है आदि है, TB है। संचारी रोग क्या होते हैं, जैसे छुआछूत से फैलने से, या एक दूसरे के हाथ मिलाने से आदि, खाना खाने से, इस तरह के रोग विधियों द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें संचारी रोग कहते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करेंगे लाइक एंड शेयर, और इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। हाँ, UPTET क्लास, जो सभी बच्चे UPTET 2019 की क्लासें प्रारंभ हो रही हैं, अगर आपको UPTET की जल्दी से तैयारी करनी है और 120+ टारगेट जो रखा गया है उसे पार करना है, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्लासें आपकी प्रारंभ होने जा रही हैं। धन्यवाद मित्रों।